भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रवक्ता अफसर शमसी रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय से हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें 7 प्रकोष्ठ में 1 अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है जिसमें मुस्लिम समुदाय के हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के अंदर में ये सारा कुछ हुआ है और एक भी मुस्लिम ना, ऐसा नहीं है मैडम। अभी हम कहें ना, हर 3 साल के बाद रिकॉग्निशन माने पुनर्गठन होता है संगठन का, तो अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है, उसमें सबको लेके चलेंगे। मुस्लिम समुदाय के भाई जब अफसर शमसी को देखते हैं चैनल पर गरजते हुए तो उनको गर्व होता है, जो भाजपा में मेरा एक प्रवक्ता है। जब प्रकोष्ठ के लोग जाते हैं तो उनको भी गर्व होता है, जो एक में भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जहां एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी एक कमेटी का गठन किया, एक कमेटी को बनाया है और उसमें 38 लोगों को उसमें जोड़ा गया है। कई लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, कई नए हैं, यानी कि यूं कह लें कि 80% ऐसे लोग हैं जो नए लोगों को लाया गया है, युवा लोगों को लाया गया है, और 20% ही ऐसे लोग हैं जो पहले से कार्यकर्ता थे, उसमें काम कर रहे थे, उन्हें ही आगे बढ़ाया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने अपनी एक सेना तैयार की है, 38 लोगों की सेना तैयार की है, लेकिन उसमें देखा यह जा रहा है कि यह 38 सेना में भाई मुस्लिम समुदाय से एक भी लोग आखिर क्यों नहीं आए हैं, क्यों तवज्जो नहीं दिया गया है मुस्लिम समुदाय को। जिस तरह से MIM की पार्टी लगातार आरोप लगाते आ रही है कि भाई बीजेपी हम लोगों को देखना नहीं चाहती है, हिंदू राष्ट्र की बातें ये लोग करते हैं, तो आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग कहाँ जाएंगे। हमारे साथ विवेकानंद पासवान जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विवेकानंद जी, दलितों को तो उस कमेटी में देखा गया है, लोग हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग एक भी क्यों नहीं, क्यों उन्हें तवज्जो आप लोग नहीं दे रहे। देखिए मैडम, हर साल, हर 3 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक संगठनात्मक बदलाव आता है। इस बार पिछले टीम जायसवाल जी का था, इस बार सम्राट जी का है। सम्राट जी अपना टीम बनाए हैं जिसमें सीमित पद है, उसमें 12 उपाध्यक्ष, 12 मंत्री, 5 महामंत्री, कोषाध्यक्ष को लिया गया है। अभी भी आप कहती हैं मुस्लिम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रवक्ता अफसर शमसी रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय से हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें 7 प्रकोष्ठ में 1 अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है जिसमें मुस्लिम समुदाय के हमारे कार्यकर्ता रहते हैं और अपने समाज के बीच में जाके काम करते हैं, तो हम बोलते ही नहीं हैं। मैं बोलता हूँ, मेरा नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास में जो विश्वास करता है, मैं उसको लेकर भी चलता हूँ। और मेरे संगठन में ये क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक एक प्रकोष्ठ है जिसका यूनिट मंडल प्रखंड लेवल तक है, मैं वो प्रखंड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है जिसमें मुस्लिम समुदाय के भाई मेरा कार्यकर्ता ही काम करते हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आप बना दिए हैं कि भाई इसमें भी मुसलमान लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन यह कमेटी गठन हुई थी, जिस दिन इन लोगों को चुना गया था, उन लोगों को पद दिया गया था, जब मैं उन लोगों से पूछी थी, बाइट ली थी, तो उस समय वो लगातार यह कहते नजर आ रहे थे कि भाई हम यह जो सेना तैयार किया गया है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है, तो क्या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को कोई भी मुस्लिम समुदाय पे भरोसा नहीं है? एक मिनट, कोई भरोसा नहीं है तभी एक सेना में आप लोग मतलब नहीं किसी को लाए हैं? ऐसा आप कैसे कह दिए जो ये सूची अंतिम सूची है? अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी पदाधिकारी का ही सूची जारी हुआ है। अच्छा। अभी प्रकोष्ठ बाकी है, मोर्चा बाकी है, मीडिया बाकी है। अभी हमको हमारे यहाँ 111 आदमी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य होते हैं, जो स्थायी वोटिंग, जिसको वोटिंग राइट है, वो करना बाकी है। अभी बहुत सारा पद है, अभी तो तत्काल पदाधिकारी का गठन किया है। आगे भी हम कहें ना, हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास और पद तो अभी सिम लोकसभा चुनाव के पहले अभी और भी जो पद बाकी हैं वो उसमें सबको चयनित कर लिया जाए। हाँ, निश्चित रूप से, सबकी सहमति से, बहुत जल्दी इसका भी मोर्चा का कार्य समिति का मतलब
क्या लग रहा है सम्राट चौधरी जी को भरोसा नहीं है? अभी बहुत जैसे आप की कह रहे हैं कि देखिए पहले से ही हम लोग को प्रकोष्ठ बनाया हुआ है, शमशेर जी भी हैं, प्रवक्ता हैं, तो पहले उस समय सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के अंदर में ये सारा कुछ हुआ है। और एक भी मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। अभी हम कहें ना, हर 3 साल के बाद रिकॉग्निशन माने पुनर्गठन होता है संगठन का, तो अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है, उसमें सबको लेके चलेंगे। अभी पदाधिकारी का पद सीमित होता है, उसमें 5 ही महामंत्री बनना पड़ता है, कुछ सीमित उपाध्यक्ष होते हैं, कुछ सीमित एक कोषाध्यक्ष होता है, तो इसीलिए सुनिए मैडम, सुनिए आगे सबका सब अभी कमेटी बाकी है, आधा अधूरा है, बहुत जल्द घोषणा होगी। इस लिस्ट में भी लोग अपने समुदाय को ढूंढते हैं कि भाई हमारे लोग भी होंगे तो शायद कुछ करेंगे, जैसे आप लोग ये करते हैं कि हमारे समुदाय के भी लोग हों। मुस्लिम समुदाय के बाद पासवान के लोग हैं कि नहीं उसमें? एक मिनट, पासवान वाले हैं कि नहीं? सुनिए सुनिए रूपम जी सुनिए, मुस्लिम समुदाय के भाई जब अफसर शमसी को देखते हैं चैनल पर गरजते हुए तो उनको गर्व होता है, जो भाजपा में मेरा एक प्रवक्ता है। जब प्रकोष्ठ के लोग जाते हैं तो उनको भी गर्व होता है, जो एक में भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जहां एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना हुआ है। इसलिए मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं, सबके साथ लेके चलता हूं। मुस्लिम समुदाय मुस्लिम पासवान वाले भी तो उसमें है, हाँ रहेंगे, सबको लेके चलेंगे। देखिए जहाँ जो सबके सब हमारे यहाँ जो निर्णय होता है सामूहिक निर्णय होता है, कोई पर्सनल निर्णय नहीं होता है, हमारे यहाँ सबों का सबके विचार से होता है, कोर कमेटी की सहमति से होती है, केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से होती है, सबके सहमति से कोई पद बांट दिया जाए। अब जो पद और भी जो सृजन किए जाएंगे, और भी जो आप बोल रहे हैं कि 100 कुछ पद जो बाकी हैं, वो कब तक होगा? और जल्द हो जाएगा, ये हो गया, जल्द हो जाएगा लोकसभा की, बहुत जल्द, विद इन ए मंथ, हो इस महीना में बहुत जल्द करेंगे। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे? हाँ निश्चित रहेंगे, प्रकोष्ठ है उसका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई एक सेना तैयार की गई है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए, काम करने के लिए। आपने सुना ही था कि बूथ बूथ तक ये लोग पहुंचेंगे, हर ग्राम तक पहुंचेंगे और लोगों से मिलेंगे, वहां पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी का क्या काम है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी जी को ये जो 3800 जो सेना वो तैयार किए हैं, उन्हें एक भी मुस्लिम समुदाय पर क्या उन्हें भरोसा नहीं था? लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।